सो हेलो एवरीवन गाइस, ये है गुजरात लीज फाइनेंसिंग के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड यहाँ पर 10.15 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 10.27 लाख हो गया है, यानी कि कुछ बराबर ही है यहाँ पर इनकम, कुछ ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसिस की। तो एक्सपेंसिस ईयरली बेसिस में 16.43 लाख थे, जो अभी भी यहाँ पर 16.43 लाख है। बात करते हैं आगे हम इस शेयर के यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर जो है ईयरली बेसिस में प्रॉफिट 6.46 लाख है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है, जो क्वार्टरली बेसिस में 4.15 लाख हो गया है, ब्रैकेट में है यानी लॉस में है। और आगे देखते हैं अर्निंग पर शेयर को। तो अर्निंग पर शेयर ईयरली और क्वार्टरली बेसिस में 2 है, लेकिन ब्रैकेट में है तो यहाँ पर लॉस में है। तो ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं शेयर के रिज़ल्ट अच्छे यहाँ पर नहीं आए हैं। और जो एक शेयर है, एक पैनी शेयर है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्क यहाँ पर बना ही रहेगा। चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस शेयर को 3 मंथ्स तक के लिए, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड मत करिए, क्योंकि पैनी शेयर है तो रिस्क तो यहाँ पर बना रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं।